नमस्कार दोस्तों, हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पिछले वीक के अंदर भी चर्चा करी थी कि निफ्टी में जो है वो एक तेजी का जो है वो दौर शुरू हो चुका है और ये आगे बढ़ सकता है। तो अब यहाँ से ब्रॉडर व्यू थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पिछले वीक में भी बात करी थी कि 19,500 के ऊपर चला तो एक तेजी होगी और 700 के ऊपर स्पीड पकड़ेगा, और जैसे ही 700 काट दिया आपकी आंखों के सामने 20,200 आ चुका है। अब थोड़ा सा ब्रॉडर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 19,975 का सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है निफ्टी तब तक बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया, इसने ये ब्रेक कर दिया, तब जो है वो हमें सावधान रहने की जरूरत हो जाएगी दोस्तों। फिर जो है वो हमें थोड़ा सा कॉशन्स रहना है, क्योंकि फिर जो है वो ये एक करेक्शन के मोड में जा सकता है। तो हमें जो है वो हमारे SL को, स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहना चाहिए। तो जो 19,500-700 का SL था हमारा, वो अब हम खिसका के 975 के आसपास ले जा रहा है। स्टॉक में अपनी अलग जो है वो चाल होगी, तो उस हिसाब से जो है वो आप स्टॉक में देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर ट्रेल किया हुआ है। ऊपर की साइड में अगर देखें तो यहाँ से 20,450, 20,750 और 21,000, ये कुछ लेवल जो है वो अभी हमें ध्यान में रखने चाहिए। 20,750 जो है वो एक स्ट्रांग हर्डल है, तो वो लेवल के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है तो आप जो है वो धीरे धीरे करके हर एक तेजी में थोड़ा थोड़ा करके हल्का हो सकते हैं शॉर्ट टर्म की है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर तो मार्केट भी चलेगा, हम भी चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक करेक्शन का सिग्नल जब आएगा तब हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे वीडियो के अंदर। लेकिन अभी जो है वो हमें ये लेवल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, हमारा अच्छा ये सपोर्ट का काम कर रहा है। बैंक निफ्टी की चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो अब हमें सपोर्ट, अभी क्योंकि उसके अंदर हाई पड़ा नहीं है, ठीक है, ये वाला जो लेवल है उसका रेजिस्टेंस है कौन सा, 46,370 के आसपास, ये अभी उसने हाई काटा नहीं। अगर ये हाई ऊपर की तरफ काट देता है, वहां पर रुक जाता है, तो फिर अच्छी तेजी इसमें भी बन सकती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर ये लेवल नहीं कटता है तब तक जो है वो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। और नीचे में इसका जो सपोर्ट आता है बैंक निफ्टी का, वो आता है लगभग लगभग 45,800। 45,800 के नीचे डे क्लोजिंग करता है तो थोड़ा सा भी कॉशन, सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी हमें, क्योंकि इसके नीचे जो है वो करेक्शन के अंदर जो है वो एंटर हो सकता है। तो आप जो है वो ये लेवल के ऊपर ध्यान रखना। अगर ये ऊपर की तरफ 46,375 ये वाला हाई निकाल कर क्लोजिंग करता है, तो फिर ये हमारा जो है वो SL बन सकता है, और ऊपर की साइड में जैसे खिसकता जाए वैसे वैसे हमें हमारे SL को, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करें ये अगर आपको नहीं आता है, समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। तो ये हो गए दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मेरा अगले वीक में क्या व्यू रहेगा, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।